जौनपुर के मड़ियाहू से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मड़ियाहू कोतवाली क्षेत्र के हरिहरपुर गांव में एक 24 वर्षीय युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जाता है कि रामपुर थाना क्षेत्र के गंधौना दादर से बारात मड़ियाहू थाना क्षेत्र के हरिहरपुर गांव में आई थी। सुबह पशु चराने गए लोगों ने देखा कि आधे मुंह एक युवक मृत पड़ा हुआ है। इसकी सूचना पुलिस को जब दी तो मड़ियाहू पुलिस तुरंत पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर मृतक के शरीर पर चोट के निशान को देखे। हरिहरपुर ग्रामीण के मुताबिक रामपुर थाना क्षेत्र के गंधौना दादर गांव से बारात आई हुई थी। मृतक बाराती ही हो सकता है, जिस पर पुलिस रामपुर के गंधौना में सूचना दी। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने कमलेश उर्फ बच्ची यादव के रूप में इसकी पहचान की है। परिजनों के अनुसार कुछ दिन पहले कुछ लोगों से विवाद हुआ था, वही लोग घटना को अंजाम दे सकते हैं। तहरीर के अनुसार पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। नमस्कार सर, कल रात को जियरामऊ क्षेत्र में जो घटना हुई है उसके बारे में जानकारी बताएं। बीती रात 2 मई को शाम को करीब 8-9 बजे की घटना है। गंधौना से एक बारात थाना क्षेत्र मड़ियाहू के हरिहरपुर में आई थी। इसमें शामिल होने के लिए कमलेश और बच्ची को कुजियाला लिया था, उम्र करीब 24 वर्ष। ये भी अपने 2 मित्रों के साथ एक बाइक से बारात में शामिल होने जा रहे थे। गाँव के पहले ही सड़क के मोड़ पर 6-7 लड़के बाइकों से उनको पकड़ लिए और कुछ पुरानी रंजिश को लेकर जानकारी में आया कि लगभग 15 दिन पहले स्कूल में प्रैक्टिकल हुआ था, वहीं पर इन लोगों का कुछ विवाद हुआ था। उस बात की रंजिश को लेते हुए ये लड़के राजापुर थाना रामपुर के रहने वाले हैं। विवेक, विशाल, सुजीत, पंकज, अनिल आदि 6-7 लड़कों ने पकड़ के उनके 2 मित्रों को भी मारा पीटा और इस लड़के की पीट पीट कर। सर ये बताइए कि जो इनके साथी थे उन्हें भी चोट आई है? हाँ, जो साथी थे उनको भी मारपीट की, 7-8 चोटें उनको दी, लेकिन वहाँ से भाग गए और इस लड़के का पीछा कर उसको चाकू भी मारे और ईंट पत्थर से मार दी। प्रथम दृष्टया क्या अभी तक कोई नामजद FIR मिल गया? इसमें 6-7 लोगों के बड़े नामजद तहरीर मिली है, FIR दर्ज हो गई, गिरफ्तारी की रोटी में लगा दी गई, बहुत जल्दी की गिरफ्तारी होती है। पोस्टमार्टम के बारे में क्या जानकारी? शव को पंचायत नमाबाद के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और FIR के आधार पर अगली। धन्यवाद सर।